राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 7:40 हो चुका है और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तामलवाड़ी टूल टैक्स पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे रुके, पीछे सरदार जी के ढाबा में रुके थे, वहाँ से चले हम लोग फ्रेश व्रेश होकर, ब्रश व्रश करके। तो चाय बड़ा बढ़िया मिलता है, तो चलते हैं चाय पीते हैं। और हमारे रामलाल भाई देखिए मिल गए बहुत दिन के बाद। और क्या हाल चाल है भैया? है ना, बढ़िया है ना, कुशल मंगल। आपके लिए मैं रुका हुआ हूँ। तो मेरे लिए रुके थे, कहे कि मेरा कुछ ऐसा काम है कि इनको रुकना पड़ गया, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग चलते हैं, अब चाय पीते हैं। और यही देखिए खुल यहाँ पर नज़ारा, सुबह सुबह पानी भी पड़ रहा है, बरस भी अच्छा पानी हो रहा है और मौसम भी ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा नज़ारा। ठंडा ठंडा लेकिन बहुत काफ़ी गर्मी था। अभी हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उधर भी बारिश हो रहा है, तो चलते हैं हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आ गए, देखिए ये नाश्ता गर्म गर्म बन रहा है, बड़ा पाव है भी, भजिया भी है। तो देखिए हम खाली बड़ा लिए हैं और हमारे चंदन बाबू भजिया, तो खाते हैं हम लोग क्योंकि गरम गरम है। तो हम लोग बुंडा, आलू बुंडा खा लिए और चंदन बाबू भजिया खा लिए और रामलाल भैया भी खा लिए। तो हम लोग चाय पी रहे हैं, देखिए तो चाय का एंजॉय करते हैं। सुबह सुबह चाय पीने से मिजाज फ्रेश हो जाता है और सफ़र बढ़िया रहेगा। चलते हैं फिर, सफ़र काटते हैं। लेकिन बारिश गिर ही रहा है, छूट नहीं रहा है कभी नहीं, 2400 घंटा पानी गिर रहा है। आज हमको 8-9 दिन से यही देख रहे हैं जब से इधर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग तुलजापुर बाईपास में निकल गए और ये चल जाएगा श्री छत्रपति संभाजी नगर सीधा रोड और तुलजापुर सिटी में। हेलो दोस्तों, फिलहाल देखिए इस रोड बाईपास से हम बराबर क्रॉस करते हैं। तो गर्मी के दिन में जब हम क्रॉस करते थे ना, तो गर्मी के दिन में आपको मतलब वीरान टाइप का लगता था, पहाड़ी तो है लेकिन घास पर नहीं लगता, खाली पहाड़ दिखता था और हरा भरा नहीं दिखता था। लेकिन अभी हरा भरा दिख रहा है और बीच में देखिए डैम टाइप में बना हुआ है, चारों तरफ पानी का रुकावट है यहाँ पे और पहाड़ी का पानी गिर के यहाँ बोटर आता है, एकत्रित होता है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बहुत क्लीन है और गोले गोले पहाड़ी हम लोग बीच में खड़े हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। और देखिए बारिश भी हो रहा है इतना, और हमारी गाड़ी देखिए रोड के बगल में ही खड़ी किए हैं और नाला भी बना हुआ है देखिए वहाँ पानी आने के लिए। तो ठीक है, हम लोग दोस्तों चलते हैं, सफर तय करते हैं, आगे निकलते हैं। दोस्तों ये देखिए दो टेलर में एल्बो गाड़ी में ये जो देख रहे हैं ना, जो सामान लोड है फैब्रिकेशन वाला, ये कहीं नया प्लांट बन रहा है ना, उसी में जाके फिट होगा कहीं नया प्लांट। बहुत हम रास्ता में देखे, देख सकते कितना बना हुआ है, कितना हाइट है, ऊंचा है और चौड़ा लंबा भी है, गोल है। और इसके साथ में आपको वो गाड़ी भी रहता है, सेफ्टी गाड़ी, सेफ्टी गाड़ी, लोकेशन वाला गाड़ी भी रहता है बराबर। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से घूमेंगे आगे चौक से दहीने औसा के लिए ना बेटा, औसा होके लातूर, लातूर औसा के लिए, औसा से घूमेंगे चौक से। तो पानी भी देखिए पड़ रहा कितना है एकदम, और सीधा वाला पुणे चल जाए ना, ये सीधा वाला पुणे औरंगाबाद जाएगा साहब, छत्रपति संभाजी नगर, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर जाएगा। यहाँ पहले बोर्ड रहता था, बोर्ड लगता हटा दिया है। अभी हम लोग टोल प्लाजा के पास आए हैं, गाड़ी उधर रोके हैं और यहाँ होटल है, यहाँ पे एक बार रबड़ी ले गए थे तो बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनाते हैं, तो ले लिए एक पाव रबड़ी 90 रुपया का। तो ठीक है लेके चलते हैं, भेजे वे पैसा। चंदन बाबू गए थे रबड़ी लाने के लिए पुल टैक्स में, बड़ा बढ़िया रबड़ी मिलता है, तो हम लोग जाइए एक पाव रबड़ी लेकर आइए। तो देखिए रबड़ी लेकर आए हैं तो खा रहे हम, बड़ा मजा आता खाने में, प्योर दूध का है। औसा हम लोग पहुंच गए हैं और औसा से हम लोग के बाएं घूमने हैं लेफ्ट साइड लातूर के लिए, जो लातूर से पकड़ेंगे ना तो सीधे नागपुर जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम बाएं घूम रहे हैं, ये बाएं घूम गए हम, देखिए हमें रोड सीधे लातूर पार करते हुए निकल जाएगा आपको रास्ता नंदेड़ लोहा अहमदाबाद। दोस्तों ये लातूर हम
पहुंच गए हैं और सीधा रोड चल जाएगा सिटी में, नो एंट्री रहता है। ये बाईपास बना हुआ दाहिने से हम घूमेंगे, देखिए ड्राइवर साइड घूम रहा है। हेलो दोस्तों, ये भी लातूर यही मार्केट जाएगा सिटी में बाएं साइड में, तो देखिए यहाँ चौक बड़ा सर्कल बना हुआ है और यहाँ पानी का झंझरा भी चलता है, शाम में लाइट भी जलता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम पार कर रहे हैं सीधा सिटी दोनों साइड में, बीच में बाईपास बना हुआ है, रोड फोर लाइन बन गया है। देखिए दोस्तों ये ओपन चेचिस है और भाई साहब पूरा पानी है भींग के ले जा रहे हैं, जहाँ का ऑर्डर होगा वहीं पहुँचा है ना, जहाँ का ऑर्डर। बहुत परेशानी है देखो ना, अब बारिश पड़ रहा है, हवा भी चल रहा है, पानी भी पड़ रहा है, गाड़ी चल रहा है उसका डस्ट पानी का छींटा जो आता है हम लोग का शीशा में लगता है, उन लोगों को कितना लगता होगा, कितनी परेशानियाँ है। फिर भी अपना पेट के लिए बेचारे सफर कर रहे हैं, चेचिस का आटा पे वहाँ पहुँचा रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है इधर का महाराष्ट्र का अभी का सीजन में, और उधर शायद पानी पड़ रहा है क्योंकि बादल नीचे हो गया है, और पूरा बादल देखिए काला बादल छाया हुआ है आसमान में, और पूरा हरा भरा पूरा फसल लगा हुआ है एकदम बढ़िया तरीका से। यहाँ से लोहा 4 किलोमीटर है और मौसम का नज़ारा बहुत ही मस्त है, मज़ा आ रहा है इस मौसम में चलने में, ठंडा ठंडा हवा, अभी पानी भी नहीं पड़ रहा है। अभी लोहा बाईपास हो गए और अंदर हम टाउन की तरफ आ गए और मेन चौक एक पड़ेगा और बाएं जाएगा अंदर लोहा सिटी में, दाहिने हम लोग निकल जाएंगे सीधे आपको लोहा गुरुद्वारा के लिए, नांदेड़ के लिए। ये चौक है सामने, नीम का भी वहाँ वृक्ष लगा हुआ है, गोलचक्करे के अंदर में सर्कल के अंदर में नीम के वृक्ष लगा हुआ है, देखिए सामने देख सकते हैं आप लोग, अभी बना हुआ नहीं है कंप्लीट, इसको हो सके छोटा लोग करेगा चाहे बनाएगा लोग, लेकिन देखिए चलिए हम दाहिने घूम रहे हैं और संभाजी महाराज का संभाजी का स्मार जो है पुतला, और ये घूम रहे चौक हम घूम गए आराम आराम से, चलिए कोई नहीं बन गया रास्ता, बन ही रहा है चारों तरफ बन, बाईपास के काम थोड़ा नहीं हुआ है, रुका हुआ है, कोई होगा कारण और वहाँ पे, तो चलिए सफर तय करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ब्रिज का काम चालू है जिसकी वजह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, जाम लग जाता है दोनों साइड से, चारों साइड से गाड़ी यहाँ आती है, देखिए अभी धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है, और वो देखिए ब्रिज है क्लियर दिया रहा है, अभी कम्प्लीट होने बहुत काफ़ी टाइम लगेगा अभी तक, अभी यहाँ कम्प्लीट नहीं हुआ है, फिर कम्प्लीट हो गया है तो हम लोग का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है ना वहाँ थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, और वही बरसात का मौसम आ गया ना इसके कारण। देखिए दोस्तों सूर्य भगवान और हल्का हल्का दिखने लगे, नहीं तो जितना दिन से हम लोग महाराष्ट्र में अभी तक तो दिखे नहीं थे, अभी दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर पूरा काला बादल है, हल्का सा दिखे हैं फिर लगता है छिप जाएंगे, और बहुत ही तेज रोशनी मार रहे हैं क्योंकि बादल का रिफ्लेक्टर के कारण, बादल से रिफ्लेक्ट होने के कारण ऐसा हो रहा है। जंगल फटा हम पहुंच गए हैं और देखिए शाम का टाइम हो गया, ये मतलब 7 बजने चला है, और देखिए भाई जान ग्रीस मार रहे हैं गाड़ी में, इनके पास नया ग्रीस रहता है और बहुत बढ़िया से ग्रीस मारते हैं, अच्छा से चारों तरफ चेक करके, इसी में हमको अच्छा पसंद लगता है जहाँ ग्रीस मरा रहे, और आर्मी में मरवाते हैं, लेकिन वहाँ रात के हम लोग क्रॉस करेंगे तो भाई जान के फिर वहाँ नहीं होगा ना, दीने में वहाँ आते हैं तो मराते हैं, तो चलिए बेचारा का उनका भी नुकसान हो गया, क्या कीजिएगा, ग्रीस मराना भी ज़रूरी है गाड़ी में, और रात को दीने पार कर दो तो हम मरवाते हैं, लेकिन दिन में कभी पारे नहीं किए, आते समय भी और जाते समय भी नाइटे में, तो चलिए यहीं करा लेते हैं ग्रीस, हो रहा है ग्रीस देखिए। 9:40 हो चुका है और हम लोग घाट उतर के, और भूख लग गया, हम लोग दिन में खाना नहीं खाए हैं,
इसलिए नाश्ते करके हम लोग आए। देखिए उड़द चने का दाल लग गया है, इसमें देखिए बटर डाल दिए हैं और तंदूरी रोटी है, ये सलाद है। तो घाट ढूंढ के वहीं रुके हैं, नया होटल खुला हुआ है शेरे पंजाब। तो चलिए हम लोग भोजन करते हैं, उसके बाद एक आध घंटा आराम कर लेंगे। जय मानपुर में चलिए भोजन करते हैं, भोजन जरूरी है, भूख लग गया है। जब तक रोटी नहीं जाता पेट में कुछ होता नहीं है। हम लोग खाना खा के और गाड़ी लेके निकल दिए दोस्तों, और हम लोग को अभी निकलना है थोड़ा दूर, महागांव सब पार करना आर्मी सब। देखिए जहाँ नींद लगेगा वहाँ साइड करके बढ़िया जगह देख के सोया जाएगा। तो अभी हम लोग गाड़ी लेके निकल दिए हैं, देखिए पापा खाना उना खा के पूरा बढ़िया से निकल दिया आराम आराम, भगवान का नाम लेके चलते हैं। अभी टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है, 10 बज रहा है, 10 बज के कुछ मिनट होता होगा। तो ठीक है हम लोग सफर काटते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं कलम में, और सवेरे हम चले थे सोलापुर पार करके तो पुल टैक्स से, तो वहां से अभी अपने को 482 किलोमीटर हमने सफर किया और अभी आ गए हैं। तो अभी 3 बज रहा है और रुकते हम लोग आ रहे हैं, आराम करते आ रहे थे, अभी यहीं 2 घंटा सोते हैं और उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। और बारिश पड़ा इधर तो पानी नहीं मिला अभी कुछ टाइम में, तो अभी सूखा है, पानी नहीं गिरा इधर, अभी आते रहे हम लोग चलते रहे तो वहां से घाट ढूल के। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।